नमस्कार, मैं जितेंद्र शुक्ला, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। इस समय हम आए हुए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बोड़ा की गांव में और जानेंगे किसानों से किसान क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में और राहुल के बारे में, और 2019 के चुनाव में क्या रहने वाला है रिजल्ट। जिस हिसाब से 2014 की बात होती है कि कहा जाता है कि मोदी राज में किसानों को बहुत परेशानियाँ हुई हैं, किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, किसान कर्ज तले दबे हुए हैं, और किसानों की जो बात होती है अभी 1 लाख बीजेपी ने कहा है कि कर्ज माफ़ करने की बात करिए कांग्रेस ने, तो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे? कांग्रेस ने कही है, कह कह मुकर जाते हैं लोग। हाँ है? तो क्या लग रहा है कि आपसे पहले कितना किया था? नहीं, कांग्रेस ने आपसे पहले कितना किया था क्या किसानों के लिए जो अब करेगी कांग्रेस? नहीं, राहुल गांधी बोल रहे हैं 75,000 पर देंगे, तो आपसे पहले क्यों नहीं दिया उन्होंने? तो अमीर गरीब को बराबर करने की बात कर रहे हैं, कैसे कर देंगे? जब से कैसे नहीं कहूँ तो आप करेंगे वो, अब से पहले क्यों नहीं किया उन्होंने? इंदिरा गांधी भी कह रही इस बात को, हम गरीब को इसको बराबर करेंगे, उसने क्यों नहीं किया जो राहुल गांधी कर देंगे? तो क्या लग रहा है भाई, आप युवा हो, सबसे पहले आपका नाम? मोहित भाटी। मोहित भाटी भाटी, तो क्या जिस तरीके का मतलब माहौल बना हुआ है यहाँ, मतलब मोदी गवर्नमेंट की बात हो रही है, राहुल जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी ले आए हैं मोदी जी, तो आप युवा हो, बेरोजगारी बढ़ी है पहले से? हाँ जी बढ़ी है जी। हाँ बढ़ी है। हाँ जी, तो आप राहुल को वोट दे रहे हैं? नहीं जी। क्यों? हम राहुल को नहीं देना चाहते। तो किसके साथ जा रहे हैं? भाजपा के साथ। भाजपा के साथ? भाजपा ने तो बेरोजगारी बढ़ा दी। नहीं, भाजपा ने बेरोजगारी नहीं बढ़ाई। आप ही अभी तो कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ी है। नहीं, अब बढ़ी है लेकिन आगे को नहीं बढ़ेगी। अच्छा, आप भविष्य की बात करें, भविष्य की सोच रहे? मेरा नाम महावीर सिंह है। महावीर सिंह जी, मैं ये कह रहा हूँ 70 साल हो गए इनको, ये देश को जो है बिल्कुल जो डुबा दिया इन्होंने। क्या किया उन्होंने बताओ? किसने, एक बार हम जानना चाहेंगे। कांग्रेस ने। कांग्रेस ने क्या किया देश के लिए बताइए आप? आप पब्लिक क्या है, वो कहते हैं हमने ही सब किया था, मोदी जी आए, मोदी जी देश को लूट गए, माल्या को अमीर कर गए। यार मोदी जी ने 5 साल में ये काम दिखा दिया इनको। हाँ। जितना की 70 साल में नहीं किया उन्होंने। हाँ। और मोदी जी ने कर दिया 5 साल में, और आगे देखो देश कहाँ पहुँचता है। आगे देखो देश कहाँ पहुँचता है अगर मोदी जी को मौका मिलेगा। तो किसानों के लिए ऐसे कौन से काम कर दिए? किसान कह रहे हैं कि कर्ज तले दब रहे हैं, विपक्ष कह रहा है मरने पे आ गए हैं, एकदम बेरोजगार हो गए, किसान का भाव नहीं मिल रहा मंडी में, आपको भाव नहीं मिल रहा? सब कुछ मिल रहा है। हाँ। सब मिल रहा है। तो 2014 से पहले क्या स्थिति थी कांग्रेस की, 2014 के बाद क्या स्थिति है किसानों की? किसानों की स्थिति बहुत बढ़िया है। हाँ। बहुत बढ़िया, सब कुछ टाइम से मिल रहा है, खाद टाइम से मिल रहा है, बीज खाद जो टाइम से समय से मिल रहा है, और क्या चाहिए हमें बताओ। अच्छा, यूरिया के लिए अब भी लड़ाइयाँ होती है? जो यूरिया के लिए कहा जाता था कि पहले लड़ाइयाँ होती थी, अब यूरिया मिल रही है या प्रॉब्लम? तभी अब कोई मतलब ही नहीं लड़ाई का। हाँ, यूरिया बिल्कुल समय से और स्टॉक में पड़ा है बहुत, पहले के कपड़े नहीं मिलता था, वहाँ लाइन में लगते थे। ये विपक्ष क्यों वहम फैला रहा है? विपक्ष कहता है कि यूरिया नहीं मिल रहा किसानों को, किसान लाइनों में लगे रहते हैं, रोज लड़ाइयाँ होती हैं। आपका क्या सोचना है इस पर, यूरिया है नहीं है? यूरिया बहुत, डीएपी बहुत, सब उर्वरक बहुत है, बीज भंडार भरे पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको जो फसलें हैं उसका उचित मूल्य मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। पहले से परिवर्तन आया 2014 से पहले? अधिक हुई है आपके इनकम? परिवर्तन है, सब चीज समय पे मिल रही है, पैदावार बढ़ रही है, तो हमें फायदा नहीं होगा। महंगाई के मुद्दे पर अंकल क्या कहेंगे सरकार को, महंगाई के मुद्दे पर कैसी रही है? महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई कुछ नहीं, 2014 से पहले वो कहते थे बहुत सस्ता था, मोदी ने महंगा कर दिया। कुछ भी सस्ता नहीं है, वही हम तो, हमें तो वो जब भी वही है, रब भी वही है, हमें तो कोई फर्क नहीं। हमें कोई फर्क नहीं। सिलेंडरों के रेट बढ़ा दिए? कहीं भी नहीं बढ़ाए, सब्सिडी मिल रही है। सब्सिडी नहीं मिल रही हमारे खाते में, नहीं आ रहे वो? क्या भाई सब्सिडी मिल रही है हमारे खाते में, आ रहे वो पैसा? तो वो तो कह रहा 900 रुपए के सिलेंडर में तो 450 रुपए बैग हो आ रहे, वो हमारे खाते में आ रहे ना। कितने आते हैं अंकल? आते हैं कभी 350 आ जाते हैं, कभी 400 भी आ जाते हैं, कभी 250 भी आते हैं। तो क्या क्या महंगा कर दिए? तो सिलेंडर पहले से महंगा नहीं हुआ? नहीं। और पेट्रोल के मुद्दे पर? नहीं नहीं नहीं, महंगा कुछ नहीं है, महंगाई ये तो चलता, ये तो सब किसानों की बात आते हैं तो सबसे पहले डीजल का नाम आता है। पेट्रोल क्या इन्होंने महंगा कर दिया? अंतर्राष्ट्रीय रेट है तो पेट्रोल का, तो जैसा पीछे से बढ़ेगा वैसे ही। जो डीजल के मुद्दे पर किसान नहीं जा रहा, राहुल गांधी कह रहे की सत्ता में आने पर डीजल सस्ता करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे। कितना सस्ता करेगा? अपने घर से देगा? अपना घर से दे देगा, अंतर्राष्ट्रीय जो दर है उसमें तो मिलेगा। कर रहा है तब से कहा था, 70 साल राज करा तब कहा था,
वो तो आप आए हैं। जब कहाँ थे राहुल जी? वो तो आप आए हैं। अब राहुल जी कर रहे हैं मैं ये भी दे दूंगा, मैं वो भी दे दूंगा, कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं दे सकते। ये गांधी समाजराज कर रहा है 70 साल से। बताओ आप हमें क्या किया उन्होंने? कहीं कोई रोड बनाया, कहीं कोई हाईवे बनाया, क्या किया उन्होंने बताओ? हाँ अब काम हो रहा है हमारे। अरे भाई साहब हमारे जवानों के लिए रास्ता नहीं था। अच्छा महबूबा मुफ्ती पर क्या कहना चाहेंगे? महबूबा मुफ्ती कह रहे जम्मू कश्मीर को आजाद करने की बात हो रही है, वो आने दो सरकार बना देंगे उसको, प्रधानमंत्री जी को दोबारा आने दो, तब देखते हैं कितना बोलती है। तो डर है क्या प्रधानमंत्री का? बिल्कुल डर है, डर क्यों नहीं है उसको? उसको डर है, अब वो तो वोट बैंक बना रही है, वो वोट बैंक बना रही है, सारे देशों को डर है, वो सही नहीं है। जो सच्चा आदमी है ना, जो सच्चा आदमी ईमानदार आदमी है, उससे हर आदमी झिझकेगा। नहीं इनका यही हो रहा है कि वो अच्छे काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो GST पर सर आपका नाम? राजवीर सिंह मेरा नाम है जी। आप भी किसान ही हैं? हाँ जी किसान ही है, बोड़ा की गांव के रहने वाले हैं। तो किसानों जो गन्ना किसान की स्थिति है 2014 से पहले क्या थी और 2014 के बाद क्या है, ये जानना चाहेंगे। सुधरी है कि नहीं? जिस दिन से चार्ज मोदी के हाथ में आया उस दिन से सब बल्ले बल्ले है, समझे, कोई दुखी नहीं है, क्राइम खत्म हो गया और दुनिया में जितने भी जो भी बात है सभी बहुत बढ़िया हो रही है, समझे जी। मोदी का जवाब नहीं। और कांग्रेस के बारे में तो मैं एक चुटकला सुना दूं तुम्हें? सुना दो, एक मिनट अब बैठ के सुनते हैं हम। हाँ अब सुनाइए। कि बाप और बेटे दोनों आपस में बात कर रहे थे। हाँ। और बेटा पूछ रहा था बाप से कि राहुल गांधी 72,000 रुपये दे रहा है। बोला उन कमीनों का नाम मत लो मेरे सामने, आज उन्हीं की वजह से तू अकेला है मेरे। पापा जी मेरी बात समझ में नहीं आई, मैं राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं तू अकेला है। अरे रेडियो और कम्बल का लालच दे के बुला लेते थे और अंदर नसबंदी कर देते थे, उसके चक्कर में मैं भी आ गया जब भी तू अकेला। 1971 की बात? हाँ 1971 की बात कर रहे हैं। तो इनके तो ये कारनामे रहे इमरजेंसी के दौरान। हाँ। चली थी आप। हाँ। तो 77 में जो इमरजेंसी हुई दोबारा ऐसा प्रधानमंत्री आपको नहीं मिलेगा। फिर भी कहा जाता है कि मोदी तानाशाह है, तानाशाही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के साथ में तानाशाह। मेरे अकाउंट को देख लो फोन में खोल के, अभी जो उन्होंने वादा किया था कि काश्तकार को 6,000 रुपये दूंगा और वो हमारी 2 किस्त मेरे फोन में आ गई हैं मेरे अकाउंट में, तो हम कैसे कह देंगे? हम आश्वासन पे विश्वास करें या जो साक्षात देख रहे हैं उस पर विश्वास करें? राहुल गांधी तो कहते हैं सर कि ये खैराते बांटने बाट रहे हैं। अरे नहीं नहीं ये किसानों को खैरात बांट रहे हैं। उन्होंने तो ये खैरात भी नहीं बांटी। हाँ। भाई इतने दिन हो गया उनको 72,000 बांटेंगे ना। अरे भैया सब मैंने अभी तुम्हें चुटकला नहीं सुनाया। हाँ। क्यों भाई कि दिया के भाई एक कम्बल मिलेगा और एक रेडियो मिलेगा ट्रांजिस्टर और अंदर ले जाकर नसबंदी करके बाहर दे दिए, समझे, जाओ मिल गया और क्या। तो उनका तो ये ढकोसला रहा भैया, अभी 5 साल के बाद में मेरा मानना तो आके चुनाव ही नहीं होने देगा मोदी, इसके सामने कोई खड़ा ही नहीं होएगा, इतना खौफ। तभी मैं महबूबा डरी हूँ जम्मू कश्मीर में। हाँ क्यों नहीं, इसमें क्या? अबे आज तक किसी ने अभी तो ऐसी बात कर रही है, अगर वो डर रही है तभी तो बात कर रही है। नाम, नाम, नाम। जी सुनील भाटी। हाँ आप बोलिए। ऐसा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोदी है यहाँ पे और कोई नहीं है। हाँ। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी चाहिए, सिर्फ मोदी जी, इससे अलग हमें और कोई नहीं चाहिए। अच्छा आप युवा हैं तो युवा के साथ क्यों नहीं जा रहे? राहुल गांधी अभी युवा हैं, वो कहते हैं नई युवा ऊर्जा के साथ चलिए, तो उनके साथ क्यों नहीं जा रहे? राहुल गांधी जी को ये खुद ही नहीं पता कि मुझे क्या बात करनी है। उसकी शादी नहीं होगी, वो युवा ही रहेगा भैया, उसकी शादी नहीं होगी वो युवा ही रहेगा, उसकी 55 साल उम्र होगी। क्या है सर कितनी उम्र तक युवा बोलेंगे? उनके 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 कार्यकर्ता और नेता बोलते हैं युवा शक्ति, वो बोल आ जाओ छोटे जितने भी छोटे से बालक है छोटे युवा तो हम हो गए साल के हो गए, अब हमारी उम्र जो है युवा। तो आप आपको फैसला करना है युवा है, उनके तो सारे कार्यकर्ता बोलते हैं युवा है, हमारी नजरों में युवा नहीं है, हमारी नजरों में नहीं है, हमारी नजरों में युवा नहीं है। देखिए हमारी लड़ाई सिर्फ देश के लिए है, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, हमें अपना देश बचाना है, हमें सिर्फ इसलिए मोदी जी को वापस लेके आना है, देश की जो लड़ाई है वो लड़नी है हमें, हमें मोदी जी चाहिए बस देश में। तो इस समय जो अगर मोदी जी हैं तो देश सिक्योर है, नहीं तो सिक्योर नहीं है। मुजफ्फरनगर में पंगा हुआ था तब कहाँ थे? हाँ। मेठ में हुआ था तब कहाँ थे? हाँ। रुड़की में हुआ था तब कहाँ थे? हाँ। तब नहीं थे राहुल? तो वो जब मोदी वो जब भी ये होता है तो कहता मोदी द्रोह कानून क्यों नहीं हटाया? हाँ। जो आज हटा रहे हैं। हाँ। आज उन्हें सरकार चाहिए। देशद्रोही कानून का मतलब ये है
कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद बोलिए, कहीं भी बोलिए, आप पे कोई कार्रवाई नहीं हो। वो 500 वादे करेंगे, करेंगे कुछ नहीं। 1000 वादे करेंगे, करेंगे कुछ नहीं। किसी मिसाल देख लीजिए आप, अगर पाकिस्तान के हाथ में हमारा कोई आदमी आज तक आ गया, कभी वापस दिया, जेलों में सड़ रहा, और वो अभिनंदन को यहाँ बॉर्डर पर सौंप के गए थे, ये खौफ ही तो है और क्या है। सब डरा डरा के वोट ले रहे हैं मोदी फिर तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देश नहीं डरते हैं, एक आदमी तो डर जाएगा, देश नहीं डरते हैं किसी से भी। तो कुल कहने का मतलब यू है, मोदी हिंदुस्तान को जो सुधार रहा है, ऐसा कोई दूसरा नहीं पैदा होएगा। इंडिया की पहचान बना रहा है, देशों में इज्जत पा रहा है। तो इन सब मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी मतलब दोबारा 2019 में वापस, हमारे यहाँ से महेश शर्मा खड़े हुए हैं, हम गुजर हैं, हम वोट के, महेश शर्मा नहीं दे रहे, हम मोदी के लिए वोट कर रहे हैं। अच्छा, गुजर इससे पहले किसे वोट दिया करते थे? जैसे कहा जाता है कि यूपी में जो जातीय समीकरण है वो बहुत ज़्यादा हावी रहता है, तो गुजर कौन सी जाति पे जाते हैं, मतलब किसको वोट? ज़्यादातर हम आज तक जो समाजवादी पार्टी को देते थे, मुलायम सिंह। तो अब मतलब समाजवादियों का वोट कट रहा है? हमने पार्टी छोड़ दी, हमने पार्टी छोड़ के, हम मोदी के चक्कर में, हम भाजपा में आ गए मोदी के चक्कर में नहीं। हमें भी पार्टी अच्छी लग रही है, हमारा क्राइम खत्म हो गया, हम पे किस तरह का दबाव कुछ नहीं, हमारी बहन बेटी खुले में कहीं चले जाओ आज, और नहीं तो रोज आए दिन पता लगे कि आज चैन छिन गई, आज मोटरसाइकिल छीन ली, आज उसके पैसे कैश लुट गया, आज ये आज सुनने को नहीं आ रहा। तो इन सब चीजों से आप 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव, मोदी आ रहे हैं 2019 में। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद।